अस्सलाम वालेकुम। फैज़ान किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त। ये सब उसके मसाले हैं, आप देख सकते हैं। और हमने लिए 5 से 6 मीडियम साइज़ की प्याज, लिए 5-6 टमाटर, लिए ये मसाले, 1 बाटी मीठा तेल है, अदरक लहसुन है, 1/2 किलो गोश्त है और 1/2 किलो भिंडी है। अब हम कुकर लिए हैं, कुकर में गोश्त डालेंगे। अब हम इसमें ये प्याज बारीक कटी हुई डाल रहे हैं। अब ये 1/2 कटोरी अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल रहे हैं हम। और 5 से 6 बारीक कटे हुए टमाटर है तब वो डालेंगे हम इसमें। और ये सब इसके मसाले हैं, अब हम ये मसाले डालेंगे। 1 कटोरी मीठा तेल है, अब हम ये डाल रहे हैं इसमें। और अब एक दो गिलास मैं इसमें पानी डालूँगी और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके 3 से 4 इसको सीटी दे दूँगी कि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखिए मैंने इसे सीटी दे चुकी हूँ और अब मैं आपको गोश्त तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अच्छी तरीके से इसका गोश्त गल चुका है। अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। पूरा मसाला प्याज टमाटर अच्छे से गल जाना चाहिए। इसे अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। अब देख रहे हैं मैं इसे भून रही हूँ। अभी हमारा मसाला भूने जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं प्याज टमाटर सब अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। हमें प्याज टमाटर बिल्कुल अब इसमें दिखना नहीं चाहिए। इस कदर हमें इसे भून लेना चाहिए। देख सकते हैं आप, ये आहिस्ते आहिस्ते सब मसाला एक जगह वो होते जा रहा है। अभी देखिए अच्छी तरीके से भून चुका है। देखिए प्याज टमाटर बिल्कुल पूरी तरीके से घुल चुका है इसमें मसाले में। अब हम इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। काट के रखे हुए हैं हमने और इसको हम बीच में से सिर्फ आपको एक बता रही हूँ मैं। अंदर से अच्छी साफ़ है, ये कॉली है, छोटी छोटी है तो इसका कोई टेंशन नहीं रहता है। और सबको ऐसा हम चीरा नहीं मारेंगे, नहीं तो सालन में सारे भिंडी के दाने दाने फैल जाएंगे। इसे हमें साबित ही रखना है, सिर्फ आगे पीछे से थोड़ा थोड़ा काट लेना है। ये आप देख सकते हैं ये फ्रेश भिंडी थी। अब हम इसको सालन में डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, सालन अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम ये भिंडी डालेंगे। भिंडी डाल के इसमें मिक्स करेंगे हम अच्छी तरीके से। ये आप देख सकते हैं मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब ये देखिए अच्छी तरीके से गोश्त और भिंडी एक जगह मिक्स हो चुका है। हमने इसमें 1.5 गिलास पानी डाले हैं। अब इसको हम 2 सीटी देंगे। शिरवा हमको जितना चाहिए हम उतना रखेंगे, आपके हिसाब से रखिए। ये देखिए सीटी दिए बाद भिंडी भी अच्छी तरीके से गल चुकी है, तरी भी पूरी ऊपर आ चुकी है। एक नंबर सालन बना था। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगा और सेहत के लिए भिंडी अच्छी भी रहती है। आप इस तरीके से खा के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको अभी एक भिंडी तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अच्छी तरीके से गल चुकी है। देखिए मैं चम्मच से काट रही हूँ। देखिए भिंडी बहुत मज़े की बनती है ऐसे। जिन्हें भिंडी नहीं पसंद है वो भी शौक़ से खाने लेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दुआ में याद रखिए। देखिए इसका ये फाइनल लुक है, कितना प्यारा अच्छा लुक है। हमने बनाए थे भिंडी रोटी चावल बनाए थे हमने। ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का बना था। आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे मसाले, मैं मसाले कम डालती हूँ और अच्छा बनता है झटपट जल्दी से। अल्लाह हाफिज़।